सब्सक्राइब कीजिएगा एक्सीलेंट करियर को, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक्सीलेंट करियर के चैनल में। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट करियर को, मेरा नाम है यश पोरवाल। दोस्तों आपका स्वागत है एक्सेलेंट करियर के चैनल में, माई सेल्फ यश पोरवाल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आज हम इसमें आपको BA पार्ट वन मतलब BA फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर बताएंगे। कौन सा पेपर बताएंगे? सेकेंड पेपर। इसमें ये 3 घंटे का पेपर होता है, इसमें आपको 50 नंबर का पेपर मिलता है, ये 3 घंटे का होता है। अब ये खंड आ बा सा 3 अंकों में विभाजित होता है, सेक्शन ए बी और सी। अब सेक्शन ए में क्या पूछा जाता है? लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक अंक 3 नंबर का होता है। अब इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ए मतलब पहले क्वेश्चन का ए, ग्रामीण नगरीय संपर्क मतलब आपको ग्रामीण नगरीय संपर्क के बारे में बताना है। और उसमें क्या है, बी में क्या पूछा गया, राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक, नेशनल इंटीग्रेशन। और उसके बाद है सी क्या पूछा जाता है, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। डी में क्या पूछा जाता है, सांस्कृतिक विलंबना। उसके बाद ई में क्या पूछा जाता है, जाति एवं वर्ग में अंतर। उसके बाद एफ में क्या पूछा जाता है, संस्कृतिकरण। उसके बाद खंड बा आ गया, कौन सा आ गया, सेक्शन बी। इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर। क्या पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। ये आपके 8 अंकों का पेपर में आता है और प्रत्येक प्रश्न का आपका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है, भारत में दलितों की समस्याओं के हल हेतु सुझाव दीजिए, गिव सजेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दलित्स इन इंडिया। अब क्वेश्चन अगला कौन सा है, देख, अगला क्वेश्चन है थर्ड, वर्तमान भारत में स्त्रियों की परंपरागत स्थिति में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, आपको ये परिवर्तन बता देना है, ठीक है। व्हाट चेंज हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द ट्रेडिशनल पोजीशन ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, परिवार कल्याण कार्यक्रम पर एक निबंध लिखिए, ठीक है, राइट एन एसे ऑन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, जाति व्यवस्था में हो रहे प्रमुख आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द मॉडर्न चेंज विच आर टेकिंग प्लेस इन द केस्ट सिस्टम। उसके बाद खंड सा में क्या पूछा जाता है, सेक्शन सी दीर्घ उत्तरी प्रश्न। आपको खंड सा में क्या पूछा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। नोट, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। अब इसमें 6th क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विवाह से आप क्या समझते हैं, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह की विवेचना कीजिए, मतलब व्हाट डू यू मीन बाई मैरिज, डिस्कस एलुमिना एंड प्रेटमुला मैरिज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जाता है, सामाजिक वर्ग को परिभाषित कीजिए, वर्ग निर्माण के प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए, डिफाइन सोशल क्लास, डिस्क्राइब द मेन बेसिस ऑफ द क्लास फॉर्मेशन। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 8 क्या है, देखते, क्वेश्चन 8 में आपको पूछा गया है, भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, संप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, संप्रदायवाद को दूर करने के प्रमुख सुझाव दीजिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनिज्म, राइट सजेशंस टू प्रिवेंट कम्युनिज्म। आपको अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, सर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।